नमस्कार साथियों, मूल नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए शिक्षक, काउंसलिंग से बाहर। चलिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर का न्यूज है, देख लीजिए। नियुक्ति पत्र की फोटो कॉपी लेकर पहुंचे शिक्षकों को सोमवार को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। मूल नियुक्ति पत्र ये शिक्षक नहीं दे पाए। मोतीपुर नियोजन इकाई के कई शिक्षकों के साथ ऐसा हुआ। मामला साल 2006 के बहाल शिक्षकों का है। इन शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई में जमा कर लिया गया था, फोटोकॉपी ही दी गई थी। जांच में लगे अधिकारी कर्मियों ने कहा कि सभी का मूल नियुक्ति पत्र ही लिया जा रहा है। ऐसे में इन शिक्षकों को तत्काल काउंसलिंग से बाहर कर इनका नाम पेंडिंग सूची में डाल दिया गया। सक्षमता पास शिक्षकों के काउंसलिंग में इस तरह की कई गड़बड़ी सामने आई है। DRCC में इनकी काउंसलिंग की जा रही है। सोमवार को चौथे दिन की काउंसलिंग में संदिग्ध सूची में भी कई शिक्षक आए। अपलोड किए गए कागजात से अलग कागजात सत्यापन के दौरान इनके निकले। ऐसे शिक्षकों से जब जवाब मांगा गया तो शिक्षकों ने कहा कि आग लगने के कारण उनके कागजात जल गए थे, ऐसे में दूसरा कागजात बनवाया गया। अधिकारियों ने कहा कि इनका नाम संदिग्ध सूची में डाला गया है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ शिक्षक हैं जिनकी कुछ समस्या तो ज़रूर है। एक समस्या है दोस्तों, TET जमा कर लिया गया है, नियोजन इकाई में है। कुछ शिक्षकों का नियोजन इकाई में खो भी गया है TET प्रमाण पत्र। और दूसरा है, साइबर कैफे वाले ने शिक्षकों का डॉक्यूमेंट इधर से उधर अपलोड कर दिया है, उनके साथ भी कुछ समस्याएं हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सक्षमता पास शिक्षकों से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित अपडेट होता है, मैं आप लोगों के पास पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।